अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाह व बरकातुहू। उम्मीद है आप खैर वाफियत से होंगे। मैं आपका मेज़बान अब्दुल जब्बार कासमी। दोस्तों, रोज़मर्रा की तरह आज के वीडियो के अंदर अरब आवाम के दरमियान बोले जाने वाले लोकल अरबिक को अपनी जुमला सेंटेंस में इस्तेमाल करेंगे, उसका माना मफहूम को समझेंगे। ऐसे जुमलों का इंतखाब किया गया है जो आम तौर से रोज़मर्रा की ज़िंदगी में बोले जाते हैं, समझे जाते हैं, सुने जाते हैं। पहला सेंटेंस, हावल तो कल लिमक, हावल तो इकल लिमक। लोकल अरबिक में अलामत मुजारा को जेर देकर भी पढ़ते हैं, इसलिए इकल लिमक और कल लिमक दोनों प्रोनाउंसिएशन तलफ़ुज़ सही है। हावल तो कल्लिमक, आई ट्राई टू कॉल यू, मैंने तुम्हें कॉल करने की कोशिश की, मैंने आपको कॉल करने की कोशिश की। दूसरा सेंटेंस, शगल सैयारा, शगल यु शगल तशगील, इसका माना होता है चलाना, स्टार्ट करना, चालू करना। किसी भी इलेक्ट्रॉनिक यानी इंजन वाली मशीन को चालू करने के लिए लोकल अरबिक में इस लफ्ज़ को इस्तेमाल कर सकते हैं, चाहे फ्रिज हो या पिकअप हो या कोई भी प्रकार के व्हीकल हो, गाड़ी हो, उसके इंजन को स्टार्ट करने के लिए, चालू करने के लिए लोकल अरबिक में शगिल का लफ्ज इस्तेमाल करते हैं। शगिल सैयारा, स्टार्ट द कार, कार चालू करो, गाड़ी स्टार्ट करो। नंबर तीन, सेंटेंस नंबर तीन, फिर महल जवाल, वेयर इज मोबाइल शॉप, मोबाइल की दुकान कहाँ है, मोबाइल की दुकान कहाँ है। यहाँ पे फिन सवालिया लफ्ज है, इस्तिफामिया लफ्ज है। अरबिक इंट्रोगेटिव वर्ड्स पर 6 पार्ट्स में वीडियो बनाया है और प्लेलिस्ट में लगाया है, अगर आपने ना देखा हो तो उसको देख लें, ताकि लोकल अरबिक में सवालिया इस्तिफामिया जुमला बनाना सीख जाएं, बोलना सीख जाएं। फिन वेयर के मीनिंग में, कहाँ के मीनिंग में है, फिन भी बोलते हैं, वेन भी बोलते हैं, आईना भी बोलते हैं। महल दुकान शॉप के मीनिंग में, जवाल मोबाइल, मोबाइल की दुकान कहाँ है। चौथा सेंटेंस, इखरिस वाला कलिमा, शट अप नॉट अ वर्ड, चुप रहो, एक शब्द नहीं, चुप हो जाओ, एक लफ्ज नहीं बोलने का। ये आमतौर से गुस्सा की हालत में, गुस्सा के वक्त ये सेंटेंस बोलते हैं, इखरिस वाला कलिमा, खामोश हो जाओ, एक लफ्ज नहीं बोलो। इखरिस भी बोलते हैं और बाज लोग राप जबर दे के इखरस भी बोलते हैं, दोनों सुना गया, इखरस इखरिस, इखरिस खामोश हो जाओ। वाव और के मीनिंग में, ला नहीं कलिमा बात, यानी एक बात भी ना बोलो, खामोश हो जाओ। पांचवा सेंटेंस, वसल फिल मौईद, ही अराइव्ड ऑन टाइम, वो समय पर पहुंचे, वो वक्त पर पहुंचा, यानी जो पहुंचने का वक्त है, जो न पहले और न बाद में, बिल्कुल एग्जैक्ट टाइम जो है उसको अरबिक में मौईद बोलते हैं। वसल फिल मौईद, वो बिल्कुल एग्जैक्ट टाइम पर पहुंचा। यहां पर वसल तब भी बोल सकते हैं, वसल तफिल मावित, आई अराइव्ड ऑन टाइम, मैं बिल्कुल समय पर पहुंचा। ही वसलत फिल मावित, शी अराइव्ड ऑन टाइम, वो बिल्कुल टाइम पर पहुंची। इन तुम वसल तुम फिल मावित, आप लोग, यू अराइव्ड ऑन टाइम, आप लोग बिल्कुल समय पर पहुंचे। नहनु वसलना फिल मौईद, वी अराइव्ड ऑन टाइम,
लोकल अरबिक में जमीर को यानी जो फाइल होता है सब्जेक्ट को पहले लाके बोलते हैं, वरना तो वसलना, वसलतुम या वसलत, वसल ऐसे भी बोल सकते हैं, लेकिन वाजह करने के लिए लोकल अरबिक में सब्जेक्ट को जिक्र करते हैं, चाहे वो जमीर हो या नाम हो। नेक्स्ट, छठा सेंटेंस, अलियोम एहना फी, वी विल बी एट होम टूडे, हम आज घर पर होंगे, आज हम घर पर हैं, ये भी इसका माना है। कोई पूछता है अलियोम इंतु फी दाखिल बैत, आज क्या आप लोग घर पर हैं, आपने कहा अलियोम एहना फी के नाम, यस हाँ, कि आज हम लोग घर पर हैं, घर पर रहेंगे या घर पर हैं, दोनों इस लफ्ज का माना होगा। अलियोम एहना फी, आज हम लोग घर पे, अलियोम टू डे, आज, एहना भी बोलते हैं वी के मीनिंग में हम लोग, नहनो भी बोलते हैं, नहना भी बोलते हैं लोकल अरबिक में। फी माने मौजूद, हाजिर, अवेलेबल, प्रेजेंट। फी और माफी लोकल अरबिक में बहुत ज्यादा इस्तेमाल होने वाले अल्फाज में से लफ्ज हैं। इस पर मैंने मुस्तकिल वीडियो बनाया है और प्ले लिस्ट में लगाया है, अगर आपने ना देखा हो तो उसको देखें ताकि उसको इस्तेमाल करना सीख जाए। आप पूछ रहे हैं अलियोम मुदीर फी दाखिल मकतब, क्या आज मैनेजर ऑफिस के अंदर है, आपने कहा नाम अलियोम हुवा फी, यस हाँ, कि आज वो है यानी मौजूद है या रहेगा, ये भी मीनिंग होता है। इस तरह से इसको आप इस्तेमाल कर सकते हैं, यहना के जगह पर हुवा, हुम, इंता या जैद नाम भी जिक्र कर सकते हैं। अलियोम जैद फी, आज जैद घर पर है या घर पर रहेगा। इस तरह से मुख्तलिफ जुमला सेंटेंस आप अपनी तरफ से बना सकते हैं, उसको बोलने की प्रैक्टिस कर सकते हैं। उम्मीद है बात समझ में आई होगी, अगर कोई भी कंफ्यूजन हो तो कमेंट सेक्शन में जाकर पूछ सकते हैं, उसका जवाब दिया जाएगा। मा सलामा।